केंद्रीय विद्यालय डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव में अध्ययनरत कक्षा 9वीं की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद अपराधियों ने उसकी निर्मम हत्या कर दी, जिसके बाद फिर छत्तीसगढ़ में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रश्न उठने लगा है। इसे लेकर वीरांगना रानी अवंतीबाई चौक कोका पर इस निर्भया को श्रद्धांजलि दी गई और इसके गुनाहगारों को फांसी की सजा देने की मांग शासन से की गई। 19 जुलाई को यह छात्रा लापता हुई थी, जिसका शव 20 जुलाई को डूंगर जलाशय के जंगल में मिला। अज्ञात अपराधियों द्वारा बेहद शर्मनाक एवं जघन्य अपराध करते हुए उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। इस जघन्य हत्याकांड से पूरा लोधी समाज आहत और शोक में है। भिलाई लोधी छत्री समाज भिलाई एवं दुर्ग द्वारा वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी चौक कोहका भिलाई में बड़ी संख्या में महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा कैंडल जलाकर इस बालिका को श्रद्धांजलि अर्पित की गई एवं इस घटना में जितने भी आरोपी शामिल थे उन्हें तत्काल कार्रवाई करते हुए फांसी की सजा दिए जाने हेतु थाना प्रभारी स्मृति नगर भिलाई को माननीय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के नाम से ज्ञापन सौंपा गया। हमारी बेटी को हमको एक निर्भया कांड जो हुआ था वो हमें याद आ गया, तो इसीलिए हम हमारी बेटी को यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं और हम शासन प्रशासन से मुख्यमंत्री से सबसे मांग करने के चाहत रखते हैं कि वो इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दें। हमारे डोंगरगढ़ ब्लॉक के कातलवाई गांव की लड़की हमारे सामाजिक बेटी का निर्मम हत्या कर दिया गया, बलात्कार कर दिया गया, उसके श्रद्धांजलि स्वरूप और आरोपी को सजा दिलाने के लिए आरोपी को गिरफ्तारी के लिए आज जिलाई दुर्ग लोधी छत्तीस समाज एकजुट होकर आह्वान करता है और शासन को भी निर्देशित करता है और उनके नाम से मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया गया है कि आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर फास्ट्रैक कोर्ट में उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए तत्काल फांसी की सजा सुनाया जाए और न्याय दिलाया जाए। आज आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं किस लिए? श्रद्धांजलि देने और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए। देश में जिस प्रकार से निर्भया हत्याकांड हुई थी उसी प्रकार से आज डोंगरगढ़ क्षेत्र में एक बेटी की हत्या हुई है और उनके साथ दर्दनाक मौत हुई है। कुछ अपराधियों ने उनके साथ घटना घटित की है, उसके लिए हमारे यहाँ पे कोका क्षेत्र के समस्त सामाजिक और अन्य समाज के बंधु यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा और गिरफ्तारी के मांग के लिए ज्ञापन सौंपे हैं और प्रशासन से निवेदन किए हैं कि जितना जल्दी हो सके अपराधी को सजा फास्ट्रैक कोर्ट में ले जाकर सजा सुनाए। आज हिंदुस्तान ने एक बेटी फिर से खोया है उन अपराधियों के चलते जो असामाजिक तत्व हैं। इस घटना को लेकर के आज पूरा छत्तीसगढ़ उद्वेलित है। जिस प्रकार से निर्भया कांड हुआ था उसी प्रकार से आज फिर से छत्तीसगढ़ में ये घटना की पुनरावृत्ति है। इसी प्रकार जांजगीर चांपा में भी एक ऐसी घटना 55 वर्षीय महिला के साथ हुआ है जो कि बहुत ही दुखद है। इस प्रकार की कृत्य को रोका जाना देश के लिए बहुत ही आवश्यक है। कानून व्यवस्था को चाहिए इस प्रकार की घटना को पुनरावृत्ति ना हो। इससे हम सबकी बेटी जो होनहार बेटी थी उनको आज हमने खोया है, परिवार ने खोया है, जिनके साथ आज हम सभी इस दुख की घड़ी में हम साथ हैं और श्रद्धांजलि हमको देने के लिए हम सब समाज में एकत्रित हुए हैं। अन्य समाज के लोग भी हैं, उस परिवार के साथ हम लोग हैं। उस परिवार को ईश्वर दुख सहने की हिम्मत दे, यही कामना करते हैं हम अपनी बात को। प्रदेश की इस निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए, इसके दोषियों को फांसी दिलाने के लिए भी पूरे प्रदेश में आंदोलन शुरू हो चुका है। अब इसे दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि ऐसे अपराधों की शिकार हुई हर निर्भया के लिए सड़क पर उतरकर इंसाफ की गुहार लगानी पड़ती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।